एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में एसओजी टीम प्रभारी अवधेश राज सिंह और कप्तानगंज थाना प्रभारी सौदागर की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर पैसा निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने निर्मल पांडे, मनोज कुमार वर्मा, अतुल सरोज, जय प्रकाश तिवारी, संतोष कुमार सरोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 9 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड, 1 डीएल, 3 पासबुक, 1 एसबीआई ग्रीन कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 चैन सोने की, 22,715 रुपए नगद, 1 कट्टा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 1 अर्टिगा कार्ड, 1 पेटीएम कार्ड भी बरामद किया है। देखिए, हमारी थाना कप्तानगंज की टीम और एसओजी की जो हमारी टीम है, इसके द्वारा एक गाड़ी को चेक किया गया था और उस चेक करने के बाद में उसमें से 5 लोगों को पकड़ा गया था सबके आधार पर। और जब उनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई तो उनकी पॉकेट्स में कई सारे एटीएम कार्ड मिले, जिससे और पुलिस को इस पर संदेह हुआ। और उसके बाद में जब डिटेल में इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये लोग एक अर्टिगा गाड़ी इन्होंने 25,000 रुपये महीने में बुक कर रखी थी और उसके बाद में ये जगह बदल बदल के और विशेष तौर से इन्होंने रायबरेली, इलाहाबाद, अमेठी, अयोध्या, लखनऊ, बस्ती, गोरखपुर और ये जो सुल्तानपुर, इस पूरे रेंज में और बीच में एक बार ये तेलंगाना तक गए हैं। और ये करते ये थे कि एटीएम के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करते थे और जो भी इस तरह का जो आदमी जिसको एटीएम के बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी तो उससे बेवकूफ़ बना के और उसका एटीएम बदल के उससे पैसे निकाल लेते थे। एक एटीएम इसमें करीमनगर तेलंगाना का मिला इनके पास से। इस तरीके से इनके पास से करीब 9 एटीएम कार्ड मिले हैं और 2 अदद पैन कार्ड मिले हैं, 4 अदद आधार कार्ड मिले इनके पास में, 1 डीएल है, 3 पासबुक भी इनके पास से मिली है, 6 इनके पास से मोबाइल मिले हैं और 1 चैन मिली है सोने की और करीब 22,000 रुपये इनके पास से नगद और 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 अर्टिगा गाड़ी जो कि साथ में बरामद हुई थी और 1 पेटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो इनसे जब और डिटेल में जब पूछताछ की गई तो इनके विरुद्ध एक तो पहले पुलिस मुठभेड़ का एक मुकदमा प्रतापगढ़ थाने में थाना पट्टी में लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने 2 घटनाएं अभी रिसेंटली, एक तो गौरीगंज अमेठी में करी थी और एक रुधौली थाना अयोध्या जनपद में इन्होंने किया है। इसके अलावा तेलंगाना में इन्होंने घटना करी थी, वहाँ से जो जिसका एटीएम था उससे बात हुई तो उसने बताया साहब मेरे एटीएम भी ले गए और करीब 43,000 रुपये इन्होंने मेरा एटीएम से निकाल लिया। तो इस तरीके से ये काफ़ी सातिर टाइप का एक गैंग था जो कि ना केवल एक जनपद में बल्कि पूरा इंटर स्टेट मैं कहूँगा इसको, और इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ये पूरा गैंग था। और सभी लोगों ने गाड़ी बुक करके ये दूर दूर तक जाते थे और ऐसे अपना चिन्हित कर लेते थे टारगेट और उसी का फिर ये पैसा निकाल के एटीएम को फेंक देते थे और जो एटीएम काम के होते थे उनसे फिर ये दूर दूर ट्रांसफर के अपना पैसा बाहर निकाल लेते थे। तो ये काफ़ी एक अच्छा गैंग पकड़ा गया है और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से इसमें 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और इससे निश्चित तौर पर इस तरह की जो लोग लगातार शिकायतें आती कि साहब मेरा पैसा निकल गया, मेरा एटीएम मेरे पास में था, तो उस तरह की जो चीज़ें हो रही है इस पर आगे साइबर क्राइम पर इससे रोक लगेगी और आगे किस तरह की घटनाएं कम होंगी।